अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर में भारतीय सैनिकों के हाथों मुंह की खाने के बाद चीन की नेवी को भी जोरदार झटका दिया गया है। दरअसल कुछ दिन पहले हिंद महासागर क्षेत्र में प्रवेश करने वाले चीनी वैज्ञानिक अनुसंधान पोत युआन वांग 5 को इस क्षेत्र से बाहर निकाल दिया गया। नौसेना के सूत्रों के हवाले से यह जानकारी सामने आई है। चीनी अनुसंधान पोत के हिंद महासागर क्षेत्र में प्रवेश करने के समय से ही भारतीय नौसेना उसकी निगरानी कर रही थी। ट्रैकिंग और निगरानी उपकरणों से लैस ये पोत सुंडा जलडमरू मध्य से हिंद महासागर क्षेत्र में आया था। हिंद महासागर क्षेत्र में भारतीय नौसेना यह सुनिश्चित करती है कि नौसेना इस क्षेत्र में एक व्यापक समुद्री डोमेन जागरूकता बनाए रखे। नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरि कुमार ने इस महीने की शुरुआत में कहा था कि भारतीय नौसेना हिंद महासागर के सभी घटनाक्रमों पर कड़ी नजर रख रही है, जिसमें चीनी नौसेना के जहाजों की आवाजाही भी शामिल है जो इस क्षेत्र में काम करते हैं। उन्होंने कहा था कि सभी घटनाक्रमों पर कड़ी नजर है। समुद्री क्षेत्र में भारत के हितों की रक्षा के लिए हम अडिग और सतर्क हैं। युआन वांग 5 पोत को लेकर चीन दावा करता है कि ये एक शोध करने वाला पोत है, लेकिन इसकी सच्चाई कुछ और ही है। चीन का जासूसी पोत बैलिस्टिक मिसाइल और सैटेलाइटों को ट्रैक करता है। चीन के इस पोत युआन वांग 5 का उपयोग चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी करती है। इस पोत पर चीनी सेना के करीब 2000 सैनिक तैनात रहते हैं। इस चीनी शोध पोत को जासूसी करने वाला जहाज कहा जाता है। युआन वांग 5 का उपयोग PLA द्वारा उपग्रहों और बैलिस्टिक मिसाइलों को ट्रैक करने के लिए किया जाता है। गौरतलब है कि अगस्त महीने में जब चीनी पोत ने श्रीलंका के हबनडोटा बंदरगाह पर डेरा डाला था, तभी भारत ने श्रीलंका के सामने राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी चिंता जाहिर करते हुए कहा था कि जहाज पर लगे ट्रैकिंग सिस्टम इस तटीय क्षेत्र में भारतीय सुरक्षा ढांचे की जानकारी जुटा सकते हैं। इसका इस्तेमाल चीन की सैन्य पनडुब्बियों व पोतों के लिए भी किया जा सकता है। चीन के इस पोत के कारण भारत और श्रीलंका के बीच राजनयिक विवाद पैदा हो गया था। भारत की आपत्तियों के बाद 22 अगस्त को चीनी पोत श्रीलंका के जल क्षेत्र से रवाना हुआ था। वहीं अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर भारत और चीन के सैनिकों के बीच खूनी झड़प हुई। इसमें भारत के 6 जवान घायल बताए जा रहे थे, जबकि चीन के 19 से ज्यादा सैनिकों को गंभीर चोटें लगी। इस बीच सामने आया कि 9 दिसंबर को तवांग सेक्टर के यांगसे में चीन सेना ने यह दुस्साहस दिखाया, तब भारतीय सेना की 3 रेजिमेंट ने उन्हें खदेड़ा। इस झड़प के बाद दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ गया। यह झड़प अरुणाचल प्रदेश में LSA के पास तवांग सेक्टर के पास हुई। भारतीय सेना ने बयान जारी कर बताया कि दोनों देशों के सैनिकों के बीच ये झड़प 9 दिसंबर को हुई थी, जिसमें दोनों ओर के कुछ जवानों को कुछ मामूली चोटें आई। जून 2020 में गलवान घाटी में झड़प के लगभग 30 महीने बाद फिर दोनों देशों के सैनिकों में संघर्ष हुआ। वीडियो डेस्क amarujala.com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।